हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पैथोजेनेसिस ठीक है ट्रांसमिशन हमने जो है वो डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में स्टेफाइलोकोकस uh, की ठीक है आज हम स्टेफाइलोकोकस आरियस की पैथोजेनेसिस देखेंगे और जो बाकी दो स्पीशीज हमने पढ़ी हैं स्टेफ एपिडरमाइटस और स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस इसकी भी हम जो है पैथोजेनेसिस डिस्कस करेंगे ठीक है आज की वीडियो में तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेफोरियस की पैथोजेनेसिस तो स्टेफोरियस जो है ये डिजीज कॉज करता है बोथ बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स ठीक है टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करके भी और पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करके भी ठीक है बाय इंड्यूसिंग पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन तो ये इसके दो मोड हैं डिजीज कॉज करने के और इसका जो टिपिकल लीजन है उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं एफसीश ठीक है फ्लूड फिल जो कैटीज बन जाती है मैंने आपको बताया था तो इसके टिपिकल लीजन को एफ्सिश कहते हैं एफसीश अंडर गो सेंट्रल नेक्रोसिस तो एफसीश में क्या होता है सेंट्रल एरिया जो है वो नेक्रोस हो जाता है नेक्रोसिस हो जाती है सेंट्रल एरिया की ठीक है एंड यूजली ड्रेन टू द आउटसाइड और बाहर की तरफ जो है वो ड्रेन कर रहा होता तो है उसमें से फ्लूड निकल रहा होता है जैसा कि एग्जाम्पल मैं आपको दूँ फ्रंकल्स एंड वॉइल्स ठीक है फ्रंकल्स एंड बॉल बट ऑर्गेनिज्म में डिसमिनेट थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एज वेल लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है वो एफम बना होता है उसके अलावा जो है ऑर्गेनिज्म आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर भी जो है वो चला जाता है ठीक है डिसेमिनेट कर जाता है फॉरन बॉडीज सच एज सुचर एंड इंटरवेनिसथेटर्स आर इम्पोर्टेंट डिस्पोजिंग फैक्टर टू इन्फेक्शन बाई एसोरियस फॉरन बॉडीज होगी जैसा कि कैथेटर्स ठीक है आई वी कैथेटर्स जो लगाए जाते हैं या फिर ए, सुचर्स हो गए टांके वगैरह ये फॉरेन बॉडीज़ जो हैं ये भी एक इम्पोर्टेंट बहुत अहम प्रीडिसपोजिंग फैक्टर्स हैं एसोरियस का इन्फेक्शन कॉज करने में इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है तो उसके अलावा जो है बहुत से इंपॉर्टेंट टॉक्सिन और इंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं एस हो ठीक है टॉक्सिन हमने जो हम देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट इन्ज़ाम और टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं थ्री क्लिनिकली इंपॉर्टेंट एक्जोटॉक्सिन आर इंटेरोटॉक्सिन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एंड एक्सफोलिएटिन ठीक है इसके तीन टॉक्सिन्स जो हैं एक्सोटॉक्सिन्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं ठीक है वो कौन कौन से इसके एक्सोटॉक्सिन्स हैं थ्री जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं उसमें फर्स्ट हमारे पास है इंटेरोटॉक्सिन सेकंड सेकेंड है हमारे पास टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन और थर्ड है हमारे पास एक्सफोलिएटिन ठीक है एक्सफोलियटिन टॉक्सिन तो ये थ्री इंपॉर्टेंट हैं एक्सोटॉक्सिन हैं ठीक है, है एसोरियस के अब इंटेरोटॉक्सिन का क्या रोल है इंटेरोटॉक्सिन क्या कॉज करता है फूड पॉइजनिंग ठीक है इंटेरोटॉक्सिन जो है ये फूड पॉइजनिंग कॉज करता है जिसमें प्रोमिनेंट क्या चीज होती है आपको वॉमिटिंग बहुत प्रोमिनेंट होती है ठीक है उसके अलावा जो डायरिया होता है ना वो वाटरी और नॉन ब्लडी होता है ठीक है डायरिया कैसा होता है वाटरी एंड नॉन ब्लडी नॉन ब्लडी डायरिया तो ये आपने याद रखना है ठीक है अभी हम इसका पहला टॉक्सिन डिस्कस करें इन टैरो टॉक्सिन ठीक है जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज करता है उसमें

इंटरल्यूकन वन ये रिलीज कराता है मैक्रोफेज से और इंटरल्यूकन टू ये रिलीज कराता है हेल्पर टी सेल से प्रोमिनेंट वामटिंग अपेयर्स टू बी कॉज बाय साइटोकाइन रिलीज फ्रॉम द लिफॉइड सेल ये जो हमें वामटिंग होती है ये इन्हीं साइटोकाइंस की वजह से होती है जो लिफॉइड सेल से रिलीज हो रहे हैं ठीक है ये जो साइटोकाइन है स्टिम्यूलेट करते हैं हमारे इंटेरिक नर्वस सिस्टम को और वो हमारे ब्रेन के अंदर क्या करती है वामटिंग सेंटर को एक्टिवेट करवा देती है तो ये सारी इसकी गेम है Enterotoxin is fairly heat resistant and is therefore usually not inactivated by brief cooking. Enterotoxin की अगर हम बात करें ये heat resistant होता है ये थोड़ी सी cooking से brief cooking से inactivate नहीं होता heat resistance होता है ठीक है स्टमक एसिड के रेजिस्टेंट होता है एंड टू इन्जाइम इन द स्टमक एंड जिजम और स्टमक और जिजम में जो इंजाइम होते हैं उसके भी रेजिस्टेंट होता है ठीक है देर आर सिक्स इम्योलॉजिकल टाइप ऑफ इंटेरोटोक्सिन इसकी सिक्स इम्योनोलॉजिकल टाइप्स हैं टाइप ए टू एफ तक तो ये तो हो गया एन कि एज ए सुपर एक्ट कर, कर रहा है और क्या फूड पॉइजनिंग कॉज कर रहा है प्रोमिनेंट फीचर जिससे ये होता है वो है वोटिंग और वाटरी और नॉन ब्लेड डायरी अब सेकेंड हम इसका टॉक्सिन डिस्कस करेंगे जो क्या है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन जो इसका सेकेंड टॉक्सिन है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन ये क्या कॉज करता है शॉक कॉज करता है ठीक है टॉक्सिक शॉक

एसोरियस से उनमें भी हो सकता है ऐसे पेशेंट में जिनके अंदर नेजल पैकिंग हम यूज करते हैं ब्लीडिंग को नोज से स्टॉप करने के लिए टॉक्सिक शोक सिंड्रोम टॉक्सिन इज प्रोड्यूस लोकली बाय एसोरियस इन द विजाइना नोज और अदर इन्फेक्टेड साइड ठीक है ये वाला जो टॉक्सिक शोक सिंड्रोम टॉक्सिन है इसको एसोरियस प्रोड्यूस करता है मेनली इन दिजाइना में ठीक है नोज में और कोई और इन्फेक्टेड साइट के अंदर द टॉक्सिन एंटर द ब्लड स्ट्रीम कॉजिंग अ ये टॉक्सिक टॉक्सिन uh, uh, जो है ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है टॉक्सिमिया करता है ब्लड कल्चर टिपिकली डो नॉट ग्रो एस सोरियस ठीक है ब्लड कल्चर में आपने याद रखना है टिपिकली ग्रो नहीं करता ठीक है उसके अलावा ये भी एज ए सुपर एंटीजन एक्ट करता है ये स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरल्यूकिन यू वन

उसके बाद जो थर्ड और लास्ट हमारे पास इसका टॉक्सिन है वो है एक्सफोलिएटिन टॉक्सिन ठीक है एक्सफोलिएटिन जो है एक्सफोलिएटिन टॉक्सिन जो है ये क्या कॉज करता है ये स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम कॉज करता है इसमें स्किन स्केली हो जाती है ठीक है यंग चिल्ड्रन के अंदर इट इज एपीडर्मोलाइटिक एंड एक्टेस प्रोटीज दैट क्लीव डेस्मोग्लाइन एंड इंड इसमें ऐसे लगता है जैसे स्किन जो है वो उतर रही है ठीक है जो अपर लेयर होती है एपिडर्मिस इसलिए इसको एपिडर्मोलाइटिक कहते हैं एंड एक्ट प्रोटीज़ ये एज ए प्रोटीएस एक्ट करता है सुपर एंटीजन नहीं एज ए प्रोटीएस एक्ट करता है ये ये क्या करता है डेस्मोग्लाइन जो हमारी स्किन के डेस्मोसोम सेल होते हैं उनके अंदर डेस्मोग्लाइन होता है उसको तोड़ता है उससे हमारा एपिडर्मस हमारी ग्रेनुलर सेल लेट एपीडर्मोलिटिक कहते हैं उसके अलावा इन टॉक्सिनस के अलावा अगर हम बात करें तो और बहुत से एक्जो जो हैं वो ल्यूकोसाइट्स को किल करते हैं उन्हें ल्यूकोसिडन्स कहते हैं ठीक है और हमारे टिश्यू के अंदर नेक्रोसिस करवाते हैं दो इम्पोर्टेंट उनमें से कौन से टॉक्सिन है ये जो थ्री इम्पोर्टेंट टॉक्सिन पड़े इसके अलावा जो हैं वो हम देखेंगे इनके अलावा जो हैं ल्यूकोसिडेंस भी होते हैं ठीक है जो ल्यूकोसाइट्स को किल करवाते हैं उनमें से दो इम्पोर्टेंट हमारे पास एक है एल्फ़ा टॉक्सिन एल्फाटोक्सिन में दूसरा हमारे पास है पीवी वी ल्यूकोसिडन टॉक्सिन जो है ये हमारे स्किन की नेक्रोसिस करता है और हिमोलाइसिस करता है ठीक है इसका जो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट है इज एट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ होल इन द सेल मेम्ब्रेन एंड कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ द लोअर मोलिकुलर वेट फ्रॉम द डैमेज सेल यानी मेम्ब्रेन के अंदर होल करता है और लो मोलिकुलर वेट जो सब्सटांसेज हैं वो डैमेज सेल से लॉस हो जाते हैं इसका ये साइटोटॉक्सिक इफेक्ट है जबकि पीवी ल्यूकोसिडिन जो है ये पोर फॉर्मिंग होता है ठीक है ये पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन होता है जो किल करता है सेल को स्पेशली वाइट ब्लड सेल को उनकी सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है ठीक है इसके टू सब यूनिट्स जो हैं वो पोर बनाते हैं जिसकी वजह सेल के अंदर से कंटेंट्स लीक आउट करते हैं तो आपने इसका पोअर फॉर्मेशन याद रखना है ठीक है और जो जीन इनकोड कर रहा पीवी होता है पी वी को वो लोकेटेड होता है लाइसोजेनिक फेज पे ये इंपॉर्टेंट वेरुलेंस फैक्टर है कम्युनिटी एक्वायर्ड जो हमारे पास चफालोकोकोसोरियज की स्ट्रेन पड़ी थी उसके लिए स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन कॉज करवाता है पी वी ल्यूकोसिडिन और जो नेक्रोटाइजिंग नमूनिया है स्वेयर किस्म का वो भी इसकी एस ए ऑरियस की पी वी ल्यूकोसिडिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन से ही कॉज होता है टू परसेंट ऑफ क्लिनिकल आइसोलेट प्रोड्यूस पी वी ल्यूकोसिडिन टू परसेंट जो है आइसोलेट्स जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं पीवी ल्यूकोसिडिन एस ऑरियस के लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे इंजाइम्स के कौन से इंजाइम्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं एस ऑरियस से तो इन्जाइम्स की बात की जाए तो उनमें हमारे पास कॉगुलेस ठीक है प्रोड्यूस होता है फेबरिनो लाइसिन, प्रोटीज़, लाइपेज़ ठीक है प्रोटीज न्यूक्स लाइपेज ये सारे एंजाइम्स जो हैं ये शामिल हैं. कॉगुलस प्लाज्मा को क्लोट करता है ठीक है सर्व्स टू वॉल ऑफ द इन्फेक्टेड साइड देयरफॉर फोर द माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल इन द साइड यानी माइग्रेशन को रोकता है न्यूट्रोफिल की टू द दाइड स्टेफाइलोकाइने दा फिब्रीनो लाइसिन एक और इंजाइम होता है स्टेफाइलोकाइनेस ये भी होता है सोरियस में ये एक लाइसिन है ये लाइस करता है थ्रुम्बाई को बाकी हम ये सबसे ज्यादा पैथोजे एसोरियस की इंपॉर्टेंट थी उसके बाद जो बाकी दो स्पीशीज हैं एपिडर्माइटस और सेप्रोफिटिकस उनकी हम पैथोजेनेसिस देख लेते हैं ठीक है पैथोजेनेसिस यहां पे एस एपिडर्माइटिस रह गया है एपिडर्माइटिस और सेप्रोफाइटिकस तो अनलाइक एस ऑरियस के बरस ये जो दो कॉगलेस नेगेटिव ये दोनों कागलेस नेगेटिव है वो कॉगलेस पॉजिटिव था ठीक है ये एक्सोटॉक्सि प्रोड्यूस ही नहीं करते ठीक है ये याद रखना है ये एक्सोटॉक्सि प्रोड्यूस ही नहीं अब कॉज फूड पॉइजनिंग और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इसलिए ये फूड पॉइजनिंग भी नहीं करते टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी नहीं करते बल्कि ये क्या करते हैं जो दूसरी चीज थी पायोजेनिक इन्फेक्शन ठीक है ये पायोजेनिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं पायोजेनिक हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल है पायोजेनिक इन्फेक्शन और प्रोस्थेटिक इम्प्लांट एज हार्ट वॉल एंड हिप जॉइंट ठीक है इसने तो प्रोस्थेटिक इम्प्लांट जो कोई हमारी बॉडी में बाहर से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उनकी वजह से जो है पायोजेनिक इन्फेक्शन करने जैसे कि हार्ट वॉल्व या हिप जॉइंट्स ठीक है और जो सेप्रोफिटिक्स है इसने क्या करना है यूटीआई कॉज करना है स्पेशली सिस्टाइटस होप सो यू अंडरस्टैंड कोई पॉइंट ना समझ आया आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा थैंक यू अल्लाह हाफिज